हमने देखा है कभी कभी तो हमारी टैलेंट भाषा के बंधनों में बन जाती है। यह गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। वो हमें भाषा आती हो या ना आती हो, लेकिन मेरे देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों ने दुनिया को दी हुई ये भेंट सौगात है, हमें गर्व होना चाहिए। मेरे साथियों, आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं, स्टार्टअप देख रहे हैं। कौन लोग हैं? ये वो टैलेंट है जो टीयर टू टीयर थ्री सिटी में किसी गांव गरीब के परिवार में बसे हुए लोग हैं। ये हमारे नौजवान हैं जो आज नई नई खोज के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। गुलामी की मानसिकता हमें उसे तिलांजलि देनी पड़ेगी, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा। दूसरी एक बात जो मैंने कही, तीसरी मेरी प्राण शक्ति की बात है, वो है हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। और जब हम ऊंचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। हमने देखा है जब हम अपनी चीजों पर गर्व करते हैं, आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा कर रही है, लेकिन जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है, भारत के आयुर्वेद पर जाती है, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया आज उससे प्रभावित हो रही है। अब हमारी ताकत देखिए, हम वो लोग हैं जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, प्रकृति को प्रेम करना जानते हैं। आज विश्व पर्यावरण की जो समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे पास वो विरासत है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान का रास्ता हम लोगों के पास है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम लाइफ मिशन की बात करते हैं, तो दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे पास ये सामर्थ्य है। हमारा बड़ा धान, मोटा धान, मिलेट हमारे यहां तो घर घर की चीज रही है, ये हमारी विरासत है। हमारे छोटे किसानों के परिश्रम से छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों में फलने फूलने वाली हमारे धान, आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट ईयर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब हमारी विरासत को आज दुनिया, हम उस पर गर्व करना सीखे। हमारे पास दुनिया को बहुत कुछ देना है। हमारे फैमिली वैल्यूज, विश्व के सामाजिक तनाव की जब चर्चा हो रही है, व्यक्तिगत तनाव की चर्चा होती है तो लोगों को योग दिखता है, सामूहिक तनाव की बात होती है तब भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है। संयुक्त परिवार की एक पूंजी सदियों से हमारी माताओं बहनों के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पर हम गर्व कैसे करें? हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं, हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं, हम वो लोग हैं जो कंकर शंकर में, हर कंकर में शंकर देखते हैं। यह हमारा सामर्थ्य है, हर नदी में मां का रूप देखते हैं। पर्यावरण की इतनी व्यापकता विशालता, ये हमारा गौरव, हम विश्व के सामने जब खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी। भाइयों बहनों, हम वो लोग हैं जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया, हम वो लोग हैं जो दुनिया को कहते हैं एकम सत विप्रहा बदवा वदंती। आज जो होलियर देन दाव का जो संकट चल रहा है, तुझसे बड़ा मैं हूं,
ये जो तनाव का कारण बना हुआ है, दुनिया को एकम सत विप्रादा बहुधा वदन्ति का ज्ञान देने वाली विरासत हमारे पास है, जो कहते हैं सत्य एक है, जानकार लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, ये गौरव हमारा है। हम लोग हैं जो कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, कितनी बड़ी सोच है, जो ब्रह्मांड में है वो हर जीव मात्र में है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये कहने वाले हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जितने दुनिया का कल्याण देखा है, हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही रहे हैं, जन कल्याण से जग कल्याण की राह पर चलने वाले हम लोग जब दुनिया की कामना करते हैं तब कहते हैं सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख की बात, सबके आरोग्य की बात करना ये हमारी विरासत है। और इसलिए हम बड़ी शान के साथ हमारी इस विरासत का गर्व करना सीखे। ये प्राण शक्ति है हमारी, जो हमें 25 साल के सपनों पूरा करने के लिए जरूरी है।